स्ट्रेचिंग क्यों नहीं करते हो यार? मैं रोज देखता हूँ बहुत लोग अपना वर्कआउट से पहले स्ट्रेच ना करके अपनी बॉडी हर्ट करते हैं। आज का ये वीडियो मैं सिर्फ डेडिकेट करूंगा अपने स्ट्रेचिंग रूटीन पे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि एक सेफ स्ट्रेचिंग रूटीन कैसे होता है। लेट्स गो। तो आज का स्ट्रेचिंग रूटीन हम स्टार्ट करेंगे नेक से। ज़रूरी नहीं आप नेक से स्टार्ट करेंगे, आप टो से भी कर सकते हैं, आप ऊपर की तरफ भी आ सकते हैं, आप ऊपर से नीचे की तरफ भी जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नेक से। नेक रोटेशन के टाइम हमें जितना जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये कि आईज हमारी जितना खुली रहेंगी उतना बेहतर है। आर्म्स, मेरा सुबह उठ के सबसे पहला काम होता है स्ट्रेचिंग, क्योंकि इसी से मैं अपना बॉडी रेडी करता हूँ, वार्म अप करता हूँ अपने वर्कआउट के लिए। और जो मैंने इसमें चेंजेस देखे हैं स्ट्रेचिंग से पहले और स्ट्रेचिंग के बाद, मेरा डेली का जो लाइफ का रूटीन है वो चेंज हुआ है बहुत ज़्यादा, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो इसलिए मैं सबको कहता हूँ वर्कआउट से पहले कि स्ट्रेचिंग का रूटीन आपका 100% होना चाहिए। आप वर्कआउट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन स्ट्रेचिंग आपको हाफ एन आवर मॉर्निंग हाफ एन आवर इवनिंग एटलीस्ट आपको करना ही है। एक ऐसा रूटीन आपको बनाना ही पड़ेगा स्ट्रेचिंग के लिए। ब्रीथ हमें नॉर्मल रखना है एकदम, जैसे हम लोग बात करते हुए ब्रीथ करते हैं, नॉर्मली ब्रीथ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ब्रीथ रखना है, कोई स्ट्रेस नहीं लाना है। मोमेंट जितना स्लो होगा उतना अच्छा है। स्ट्रेचिंग के टाइम पे कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। बैक का इसमें मेन ध्यान रखना है कि बैक स्ट्रेट रहे, कहीं से भी आर्च ना आए। स्ट्रेचिंग से आपके बैक लोअर बैक बहुत हेल्दी रहता है। लोअर बैक के लिए भी स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी चीज़ है। ये स्ट्रेच आपका हैमस्ट्रिंग, हिप, हिप जॉइंट, बैक, लोअर बैक सब पे काम करता है। ब्रीथिंग का खास ख्याल रखना है, ब्रीथ रुकना नहीं चाहिए, स्टिफनेस नहीं आनी चाहिए बॉडी पे। स्ट्रेचिंग के और भी जो फायदे हैं वो ये है कि आपकी बॉडी बैलेंस में रहती है। आप जब रोड पे चलते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, तो आपको एक स्टिफनेस लगती है, वो दूर होती है आपकी स्टिफनेस। आपका लाइफ ईजी लगेगा, आपको मसल ईजी लगेगा रूटीन में। और सबसे जो मेन बात है, आपके इंजरी के चांसेस कम होते हैं। हैमस्ट्रिंग, काफ, हिप मसल, बैक स्ट्रेट रहेगा, चेस्ट अप रहेगा, ब्रीथ नॉर्मल। कोबरा पोज आपके लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा स्ट्रेच है। आपका आजकल देखा होगा लोगों को बैक प्रॉब्लम बहुत होता है, तो ये एक्सरसाइज करने से आपका लोअर बैक हेल्दी होता है।
Again, hip joint, back, spinal cord. इन सब के लिए बहुत इफेक्टिव है. सो गाइज, ये था आज का हमारा स्ट्रेचिंग वर्कआउट रूटीन. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ इसको आप ट्राई करिए डेली बेस पे. सुबह शाम ट्राई करना है आपको, इसको प्रैक्टिस करना है. अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं. और कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं. आप देख रहे हैं AskMen इंडिया और मेरा नाम है कुणाल बैनर्जी.